मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आज जिस वीडियो को लेकर के आप लोग के साथ आई हूँ वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये सोशियोलॉजी में आप ये अचानक से ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट क्यों लेकर के आई। तो देखिए, जब भी आप यूपीएससी दे रहे होते हैं या फिर आप नेट वगैरह एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो एक तो करंट से जोड़ के ही क्वेश्चन होते हैं आते हैं। मतलब करंट के टच में हम कोई भी विषय पढ़ते हों, हमें करंट के टच में रहना ज़रूरी है। अगर हम करंट के टच में नहीं रहेंगे तो ऐसे में क्या होगा, हमारी आंसर जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका पेपर सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट पे है, आप सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट पे स्पेशलाइजेशन अपना डेवलप कर रहे हैं तो भी आपको इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी होगा। या कभी आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं उसमें आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को उठा रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ एक ऐसा इशू होते जा रहा है ना दिन प्रतिदिन, कि आपको उसके बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इवन स्कूल में तो इन्वायरमेंटल जो सोशियोलॉजी है या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है हम उसको कंपल्सरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वी हैव टू सेंसिटाइज्ड टूवर्ड्स दिस दीज इश्यूज। तो यही ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 है। मैं एक दिन पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मैं इस पर भी कुछ वीडियोस बनाऊं, मतलब इस पर वीडियो बनाऊं ताकि आप करंट के टच में भी रहे और सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट और बाकी तमाम चीज़ों को भी समझते रहे। तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके थ्रू मिलते हैं। और अगर परिचय आप नए हैं चैनल पे, मेरा परिचय नहीं जानते, मुझे नहीं जानते, तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, एफिलेटेड कॉलेज है, आर महिला पीजी कॉलेज। मैं वहाँ पर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और लगातार 1.5 साल से आपके लिए वीडियोज़ में बना रही हूँ अलग अलग टॉपिक पर। तो लेट्स बिगेन आवर दिस वीडियो। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो कि एक क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ मामला है, तो हर साल याद रखिएगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो हर साल पब्लिश होता है और इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF पब्लिश करता है। इस बार जो 22 का जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट आया है, बेसिकली ये जो इस रिपोर्ट में बेसिकली जो वर्ल्ड में प्रेजेंट सिनारियो में क्या क्या रिस्क चल रहा है, मतलब हमारी जो दुनिया है ना वो किन किन घटनाओं से घटित हो सकती है, या कौन से ऐसे मेजर इंसिडेंट चल रहे हैं, या कौन से ऐसे जोखिम भरी चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं जिससे हमारे समाज को खतरा है। ज़रूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड ये मुद्दा है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, रिलीज़ करता है, और कई सारे मुद्दों को लेकर के मैं आगे एक एक करके आपको बताऊंगी। इस बार जो 22 का जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट आया है बेसिकली वो साइबर सिक्योरिटी, पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, स्पेस एडवांसमेंट, ये इमर्जिंग रिस्क है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी का ये इमर्जिंग रिस्क है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो रिस्क हमारे समाज में देखे जा रहे हैं या आगे आने वाले 10 सालों में देखे जा सकते हैं उस पर यहाँ पर बात हुई है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि 10 जो खतरे विश्व में देखे जा रहे हैं या विगत अगले 10 सालों में देखे जाएंगे उनमें से 5 तो पर्यावरण के मुद्दे हैं, 5 एनवायरमेंटल इश्यूज हैं हमारे यहाँ, ठीक है। कौन कौन से, अब मैं बता रही हूँ कि वो उन वर्ल्ड रिस्क सॉरी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में आखिर 10 कौन से रिस्क पे बात की जा रही है। पहला है जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा खतरा बताया गया। सबसे बड़ा इशू क्या है हमारे विश्व में इस समय, क्लाइमेट चेंज। माइग्रेशन आप जानते हैं ना, माइग्रेशन बेसिकली इस क्लाइमेट चेंज से हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हो रहा है और उसके पीछे एक बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे हैं अप्रैल के मंथ में इतनी गर्मी, कहीं पर -16 डिग्री टेम्परेचर और कहीं पर 45 क्रॉस हो रहा है अप्रैल में, तो ये बात है। इसी से रिलेटेड दूसरा है कि चरम मौसम,
चरम मौसम क्या? अभी समझिए, आज से 20 दिन पहले मेरे मामा से मेरी बात हो रही थी. ही वॉज इन शिकागो डैट टाइम. वो शिकागो में थे और वहाँ पर टेम्परेचर उस टाइम पे -18 था. सोचिए -18. ओके, आज मैं वाराणसी में बैठी हूँ. आज सिर्फ 17 अप्रैल है, 18 अप्रैल, 17 अप्रैल, जो भी हम कहें 18 अप्रैल. अप्रैल में इतना टेम्परेचर नहीं होता था और आज का यहाँ का टेम्परेचर पता है 44 क्रॉस कर चुका है. तो ये चरम मौसम, मतलब कहीं पे भयानक गर्मी, कहीं पर भयानक ठंडी, कहीं पर भयानक बारिश, कहीं पर भयानक सूखा पड़ना. नॉर्मल नहीं, हर चीज़ चरम पे, हर चीज़ एक्सट्रीम पे. ये दूसरे नंबर का रिस्क पूरे ग्लोब में दिखाई दे रहा है. तीसरे नंबर पे जैव विविधता, मतलब जो बायोडायवर्सिटी है. अब क्लाइमेट चेंज होगा, चरम मौसम होगा, तो नेचुरल है कि जो बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी मतलब एक टाइम पे बहुत सारे स्पीशीज़ का पाया जाना, वो बहुत सारे स्पीशीज़ अब हमारे देश दुनिया से घट रहे हैं. पता है हर साल हजारों हजार स्पीशीज़ ख़त्म हो रहे हैं. कितना बड़ा कारण है, हम इसको समझ नहीं रहे हैं. ठीक है, पहले एक वीडियो मैंने रिस्क सोसाइटी का बनाया है ना, उलरिच बेक का जो कॉन्सेप्ट है, उससे जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं. आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को दे सकते हैं. चौथा खतरा, अब ये पर्यावरण से जुड़ा नहीं है, यह है सामाजिक सद्भाव में कमी. मतलब पहले जो सद्भाव होते थे, आपस में हारमनी होती थी लोगों को लेकर के, आज पूरे विश्व में वायलेंस बहुत ज़्यादा हो गया. आप ही देखिए, राह चलते आप किसी से भी थोड़ा सा टेढ़ा होके देखिए, वो आपसे कितना ज़्यादा टेढ़ा होगा. पहले क्या होता था, पहले हायरार्की की मर्यादा रखी जाती थी कि लो हायरार्की वाले ऊपर वाले को नहीं बोलते थे, ऊपर वाले उससे ऊपर वाले को नहीं बोलते थे. पर आज की सोसाइटी में हायरार्की तो है ना, बट हारमनी नहीं है. ठीक है, कोई हारमनी हमारे यहाँ नहीं दिखता है. ये एक बड़ा संकट विश्व में देखा जा रहा है. फिफ्थ है आजीविका का संकट. लोग अपनी आजीविका को नहीं चला पा रहे हैं, इसका संकट. कोविड ने इस आजीविका के संकट को और बढ़ाया है. फिर जो कोविड-19 जैसा जो संक्रामक रोग फैला, 2020 से शुरुआत हुई, 19 नवंबर से ही शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसको कोविड-19 बोलते हैं. कोविड-19 जैसे जो संक्रामक रोग हैं वो छठे नंबर पर आए हैं, क्योंकि 22 में कोविड का रेट जो है, उसके फैलने का जो दर था वो कम हुआ है, इसलिए छठे नंबर पे है. मानव द्वारा पर्यावरण को नुकसान, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान किया है, वो एक बड़ा कारण है. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे संकट आ रहे हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्मेशन में तो बहुत टाइम लग जाता है ना, उसकी कंजम्पशन में बिल्कुल समय नहीं लगता. एक कोयला बनाने में कितने साल लग जाते हैं, और एक कोयला या लकड़ी जलाने में, एक पेड़ को उगाने में कितने साल लग जाते हैं, और एक पेड़ को काटने में मिनटों का समय लगता है ना. तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उन पे संकट आ गया है. ये आठवां संकट बताया है इस रिपोर्ट में. बढ़ता कर्ज, लोगों पे बढ़ता कर्ज. आज श्रीलंका जैसी समस्याएं जो देखने के लिए आ रही हैं, श्रीलंका में आप देखिए कि लोग बेसिक चीज़ों के लिए तरस रहे हैं. मैंने पढ़ा था पेपर में, एक बोतल पानी 100 रुपए का मिल रहा है. तो वहाँ की इकोनॉमी एकदम ध्वस्त हो गई है. ऐसा क्यों? बढ़ता कर्ज. उन्होंने जो दूसरे देशों से कर्ज लिया ना, उसको भी नहीं लोग वापस कर पाए, तो कर्ज बढ़ते जा रहा है. और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक टकराव, जो दो देशों के बीच में इकोनॉमी को लेकर के जो टकराव हमेशा हो रहे हैं, ये दसवां एक बड़ा संकट के रूप में हमारे इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में दिखाया गया. ओके, नेक्स्ट आते हैं. तो रिपोर्ट के अनुसार 10 बड़े खतरों में 5 पर्यावरण से संबंधित है. ये मैंने आपको बताया कि 10 बड़े खतरों में हमारा 5 पर्यावरण से संबंधित है. ठीक है, इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आया, उसने भारत के लिए भी 5 बड़े खतरों की पहचान की है. ये स्पेशली फॉर इंडिया, ये भारत के संदर्भ में है. अब ये जो संकट आप देख रहे हैं वो भारत के संबंध में, भारत के वो तो ग्लोबल था, ये इंडिया लेवल पे है. भारत के संबंध में सबसे बड़ा खतरा जानते हैं क्या है? ये खतरा है अंतर्राज्यीय
संबंधों में आ रहा अविश्वास, मतलब जो एक स्टेट का दूसरे स्टेट से जो रिलेशन है वो बिगड़ते चला जा रहा है। सेकंड, बढ़ता कर्ज, यहाँ भी यही प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, युवाओं का मोह भंग, जो हमारी यूथ है ना उसका मोह भंग होते जा रहा है चीज़ों को। आप देखिए सुसाइड रेट कितने ज़्यादा हो गए हैं, तो युवाओं का जो मोह भंग है वो एक रिस्क के तौर पे सामने देखने को मिल रहा है, मेनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। प्रौद्योगिकी गवर्नेंस में विफलता, जो टेक्नोलॉजिकल गवर्नेंस होती है उसमें विफलता देखने को मिल रही है। और डिजिटल असमानता, जो डिजिटल गैप है, हम आप कितने धड़ल्ले से टेक्नोलॉजी का, डिजिटल जो चीज़ें हैं उसका यूज़ कर रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कखग भी नहीं जानते इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का। तो हमारे देश में गैप बन गया है, डिजिटल और नॉन डिजिटल के बीच की जो खाई है ना वो बढ़ती जा रही है। इस खाई को पाटने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं सोचिए कि अरे सब लोग तो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ करना डिजिटलाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा पार्ट है, सारा पार्ट नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर अब उन्होंने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि अभी लगातार 5 और 10 वर्षों में हम कई तरह के जोखिम को देख सकते हैं, कई तरह के जोखिम हमें दिखेंगे, जिसमें मौसम में आता बदलाव, कि बहुत तेज़ी से मौसम में बदलाव हो रहा है, लोगों के जीवन यापन से जुड़ी समस्या, जलवायु परिवर्तन में, सामाजिक एकता में आती कमी, खतरनाक बीमारियां, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता असर, साइबर सिक्योरिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, मतलब चेंज इन वेदर, मौसम में आता बदलाव, लोगों के जीवन यापन से जुड़ी समस्या, जो लाइवलीहुड होते हैं लोगों के उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स इन लाइवलीहुड, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, सामाजिक एकता में कमी, जो सोशल यूनिटी है उसमें कमी होना, लैक इन सोशल यूनिटी, जो डेंजरस डिजीज होती हैं उसकी, और फिर मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, जो हमारे मेंटल जो डिजीज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ा था कि डिमेंशिया जैसे जो बीमारी ओल्ड एज से रिलेटेड थी ना, डिमेंशिया अब यंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितना रिस्क है, मतलब जो डिमेंशिया, आप जानते हैं ना डिमेंशिया बीमारी को मेनली न्यूरो प्रॉब्लम होती है, वो ओल्ड एज में होती थी, 60 के बाद ये प्रॉब्लम्स देखी जाती थी, अब 35 और 40 वालों को भी डिमेंशिया जैसी डिजीज़ हो जा रही हैं। ये क्या है, ये एक एक रिस्क सोसाइटी में देखा जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा इस ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है उसके बारे में बताती हूँ कि हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी किया जाता है, जिसमें दुनिया के सामने आने वाले खतरे, जितने सबसे बड़े खतरे हैं उनकी पहचान की जाती है। ये पहचान 5 श्रेणियों में होता है, 5 कैटेगरीज में देखा जाता है ये खतरा, कहाँ कहाँ, पर्यावरण के क्षेत्र में, सामाजिक मतलब सोशल सेक्टर में, आर्थिक संकट इकोनॉमी क्राइसिस में, जियोपॉलिटिक्स में और तकनीक में, इन 5 सेक्टर्स में क्या क्या रिस्क आ रहा है ये देखा जाता है। अब ये कैसे किया जाता है ये समझिए कि इन खतरों की पहचान के लिए न केवल शोध, मतलब सिर्फ रिसर्च नहीं होता है, बल्कि वैश्विक स्तर पे मतलब ग्लोबल लेवल पे रिस्क एक्सपर्ट बनाए जाते हैं, बिजनेस इकोनॉमिस्ट और सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग, जो दिग्गज लोग होते हैं, उनकी राय ली जाती है। फिर क्या होता है, इस साल की रिपोर्ट, जो इस साल की रिपोर्ट है 2022 की जो रिपोर्ट है, उसमें 124 देशों के 12,000 से अधिक दिग्गजों के विचारों पर आधारित है, जिनकी राय फिर एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे की मदद से ली जाती है। इस सर्वे पर प्रतिक्रिया करने वाले 84% लोगों का कहना है कि वे दुनिया का भविष्य कैसा होगा इसको लेकर के चिंतित हैं। सोचिए बहुत बड़ी बात है कि जितने भी लोगों पे सर्वे किया गया, 12,000 दिग्गजों की राय ले गई, उनमें से 84% लोगों का कहना है कि हम जो हमारे अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, जो खुद का हमारा भविष्य है ह्यूमंस का, उसको लेकर के वो बहुत चिंताजनक हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों के जो जीडीपी है में कोरोना काल से पहले की तुलना में
5.5% की कमी आई है, ठीक है, याद रखिएगा। और विकसित देशों की जीडीपी में 0.9% की कमी आई है, मतलब जो विकासशील देश हैं उनकी जीडीपी कोरोना के बाद से 5.5% की कमी आई है, और जो विकसित देश हैं उनकी जीडीपी में 0.9% की कमी आई है। तो फिलहाल ये जो मैंने तैयार किया वो एक मैगजीन आती है डाउन टू अर्थ, आप सभी शायद लेते होंगे, उसमें फरवरी 2022 के वॉल्यूम में ये था ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर आप लोग को कुछ बताऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए सेंसिटिव हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ सोशियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट का पेपर, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है और थोड़ा सेंसिटिव भी हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो आप सभी को थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है, और अपने लेवल पे आप क्या कर सकते हैं वो सोचने की और करने की ज़रूरत है। चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप सभी को खूब सारा प्यार और खूब सारा आशीर्वाद।